Hello class, today we are starting the second part of the chapter, Ranga's Marriage. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. मतलब कि ये जो priceless मतलब बहुमूल्य जो चीज़ थी क्या English language जो थी वो हमारे गांव में 10 साल पहले तक नहीं फैली थी. That was why Ranga's homecoming was a great event. इसीलिए ही जो रंगा का घर वापस आना था वो एक बहुत बड़ा इवेंट था. पीपल रश टू हिज डोरस्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, द बॉय हु हैड गॉन टू द बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स एंड कम रंगा इज हियर लेट्स गो एंड हैव अ लुक. मतलब कि जो विलेज के पीपल थे जो लोग थे वो उसके घर पर जाने लगे. मतलब उन्होंने मतलब वो लोग गैदर हुए और वो लोग उसके घर पर चल दिए ये अनाउंस करते हुए कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है. वो लड़का जो बैंगलोर गया था पढ़ने के लिए वो आ गया है. आओ रंगा यहाँ पर है, चलो हम चलते हैं और एक बार उसको देखते हैं. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड हु व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम. पूरी क्राउड से अट्रैक्ट होकर मैं भी साथ में चल दिया और आंगन में खड़ा हो गया और मैंने पूछा कि ये सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं. देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, क्या यहाँ पर तो कोई भी बंदर का तमाशा नहीं हो रहा है. अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरी वन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन. अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट. एक लड़का मतलब जो एक यंगस्टर था या कह सकते हैं टीनेजर था वो बाहर आया और वो ज़ोर से चिल्लाया कि आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं. ये यंगस्टर जो था वो इमेच्योर था और उसको मैनर्स भी नहीं थे. मैं ये सब सोचता रहा कि ये सब तो अब पुरानी बातें हो चुकी हैं और मैं चुपचाप खड़ा रहा. सीइंग सो मैनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. इतने सारे लोगों को देखकर रंगा स्माइल करते हुए घर के बाहर आया. हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम लोग वो सब अंदर चले जाते द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता. अगर हम सभी लोग अंदर चले जाते तो कलकत्ता के ब्लैक होल जैसा सीन क्रिएट हो जाता. थैंक गॉड इट डिड नॉट, और अच्छा हुआ कि ये नहीं हुआ. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज़ ही हैड बीन 6 months ago. सभी लोग सरप्राइज थे ये देख कर कि रंगा तो एज इट इज़ वैसा ही है जैसे कि वो 6 महीने पहले था. वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट ऑफ आर विलेज, जैसा कि उसने हमारे गाँव को छोड़ते वक्त तो वो जैसा था अभी भी वो वैसा ही है. एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास में ही थी रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट लुकिंग इन टू हिज आइज एंड सेड द जनेवरा इज स्टिल देयर ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट. रंगा लाफ्ड, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास में ही खड़ी थी वो उसके पास गई और उसने जो उसकी चेस्ट पर अपना हाथ फिराया और उसकी आंखों में देखा और उसने कहा कि तुमने जनेऊ अभी भी पहना हुआ है, इसने अपनी कास्ट को नहीं खोया है. और वो लोग फिर उसके बाद वापस चले गए. रंगा हंसने लगा. वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स लेग्स एंड आइज एंड नोज द क्राउड मेल्टेड अवे. जब उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि रंगा ऐसा ही है, उसके हाथ पैर नाक आँख सब वैसा ही है, तो क्राउड धीरे धीरे मेल्ट हो गई मतलब कि कम हो गई. लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे कि थोड़ी सी शुगर को अगर बच्चे के मुँह में डाल दो जैसे वो लंप आउट हो जाती है, ऐसे ही वो भीड़ भी लंप हो गई. हाउ आर यू रंगप्पा, After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskara respectfully, saying, "I am all right with your blessings." फिर जब हर कोई चला गया था तो मैं उसके पास गया और पूछा, रंगप्पा तुम कैसे हो, क्या सब कुछ ठीक है. ये वही टाइम था जब रंगा ने मुझे नोटिस किया. वो मेरे पास आया, उसने रिस्पेक्टफुली मुझे नमस्कार किया और बोला कि मैं आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, मुझे रंगा के कैरेक्टर की जो विशेष बातें हैं मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए. ही न्यू व्हाट इट शुड बी टू हिज टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन
एंड राइटली असिस्ट पीपल वर्ल्ड। वो बहुत अच्छे से जानता था कि कब किस आदमी से किस तरीके की बातें करनी है। एज़ फॉर हिज नमस्कार टू मी, और जैसा कि उसका नमस्कार था जो उसने मुझे किया था, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने वो ऐसा नहीं किया था जैसे कि आजकल के लड़के करते हैं। विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, स्टैंडिंग स्टफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वैन और अ वॉकिंग स्टिक। ऐसा नहीं कि उसने ऐसा नमस्कार नहीं किया था जैसे कि आजकल के लड़के करते हैं, सूर्य की तरफ को, सन की तरफ को फेस करके और एक पोल की तरह खड़े रहकर, जैसे कि एक वॉकिंग स्टिक हो। उसने उस तरीके के नमस्कार नहीं किया था। नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही उसने अपने हाथों को मोड़ा। ही बेंट लो टू टच माई फीट, बल्कि उसने मेरे झुककर पैर छुए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी शादी जल्दी हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ अच्छी बातें करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, रांगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, रांगा मेरे घर आया अपने हाथ में दो ऑरेंजेस लेकर। अ जेनरस कॉन्सिडरेट फेलो, एक बहुत ही जेनरस यंगस्टर था, बहुत ही जेनरस बॉय था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी अ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, मैंने सोचा कि उसकी शादी कराना बहुत अच्छी बात होगा और ये मेरे लिए एक तरीके की समाज सेवा होगी। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैं पॉइंट पर आया और मैंने पूछा, रंगप्पा तुम शादी कब कर रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक सही लड़की ढूंढनी है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी 6 महीने पहले ही हुई है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, आई एम टोल्ड, और वो 30 years के हैं और जैसे कि मुझे बताया गया है उनकी वाइफ 25 years की है। They will be able to talk lovingly to each other. वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करते हैं। Let's say I married a very young girl. और चलो मान लेते हैं कि मेरी एक बहुत छोटी लड़की से शादी हो जाती है। She may take my words spoken in love as words spoken in anger. वो मेरे मतलब जब मैं प्यार से बात करूँगा तो वो उनको गुस्से वाले वर्ड्स को भी समझ सकती है, मतलब कि अगर मैं प्यार से बात करूँगा तो वो ये समझ सकते हैं कि मैं उसको गुस्से से बात कर रहा हूँ। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अभी हाल ही में एक बैंगलोर में प्ले हुआ था शकुंतला। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर शकुंतला बहुत छोटी होती तो दुष्यंत उससे शकुंतला से प्यार करते। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, जैसे कि आजकल की ब्राइड्स होती हैं। What would have happened टू कालिदास प्ले, और कालिदास के प्ले का क्या होता? इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर उनमें से एक शादी कर लेता, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, शादी करने के लिए एक मैच्योर गर्ल का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, और उसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति को बैचलर ही रहना चाहिए, मीन्स कंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या और भी कोई रीज़न है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो तारीफ कर सके, प्रशंसा कर सके। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, जैसे कि हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होती है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, ऑल्सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और कोई भी एक लड़की को एडमायर कैसे उस लड़की को एडमायर कर सकता है जिसके एक तरफ तो दूध के निशान हो, मतलब दूध के धब्बे हो चेहरे पर, और दूसरी तरफ गीला हो, और या फिर एक ऐसी लड़की जिसको अपने वो जो इतनी छोटी हो कि उसे अपनी फिंगर्स को बाइट करना भी नहीं आता हो। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोट, मतलब कि एक तो नीम चढ़ा, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रांगा सेड लाफिंग, रांगा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट
वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। मुझे बहुत निराशा हुई कि जिस लड़के को मैं ये सोचता था कि ये बहुत अच्छा हस्बैंड होगा, उसने बैचलर रहने का सोच लिया है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लोंगर रांगा लेफ्ट। थोड़ी देर बात करने के बाद रांगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। मैंने तभी मन बना लिया कि मैं उसकी शादी करवाऊँगा। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. रामा राव की जो भतीजी थी, जो 11 साल की थी, वो उनके साथ रहने के लिए आई थी। She was from a big town, so he knew how to play the veena and the harmonium. वो एक बड़े शहर से थी, इसलिए उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता था। She also had a sweet voice, और उसकी बहुत ही मीठी आवाज़ भी थी। So this was the second part of the chapter, Ranga's marriage. I hope आपको समझ में आ गया होगा। If you have any problem, then you can ask to me. Thanks for watching.